कृतिका सतपका गई। फाइनली कृतिका ने ध्यान दिया कि वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग अपने फोन से उसकी और निखिल की तस्वीरें ले रहे थे। जो लोग रनिंग कर रहे थे वे तक रुककर उनकी तस्वीरें लेने लगे थे। हर तरफ से कृतिका को बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हे भगवान, ये दोनों तो निखिल और कृतिका है ना। देखो तो दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ये दोनों पिछली रात अपने प्यार को दुनिया के सामने दिखा रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं। बस इस बार की जगह कोई फिल्म इवेंट ना होकर ये जॉगिंग पार्क है। चलो अब कम से कम ये दोनों पब्लिक में एक साथ वॉक तो कर सकते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग या तो निखिल और कृतिका को लेकर क्यूरियस थे या फिर उनके शुभचिंतक। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वहाँ का माहौल काफी फ्रेंडली था। उनमें से कोई भी उस स्टार कपल के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह रहा था। वहाँ मौजूद कई लोग उनकी फोटोज ले रहे थे और कुछ उनकी वीडियो बनाकर ट्विटर पर अपलोड भी कर रहे थे। ऐसा रेयर ही होता है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर आता हूँ, आज पता नहीं मेरा मन क्यों पार्क आने को हुआ। और देखो पार्क में मुझे कौन दिखे, निखिल और कृतिका, दोनों एक साथ सच में बहुत क्यूट लग रहे हैं। ऑनलाइन मैंने जो पिक्स इन दोनों की देखी हैं, रियल लाइफ में दोनों उससे कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों ही साथ में हर वक्त लवी डवी टाइप लग रहे थे। निखिल कृतिका से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था, उसने हमेशा कृतिका के हाथ को थाम रखा था, मानो उसे डर हो कि कहीं कोई उसे उससे छीन ना ले। इनका प्यार दिखावा नहीं है, दोनों को देखकर मैं तो जलन के मारे मरे जा रही हूँ। निखिल और कृतिका के पीछे जलन महसूस कर रही लड़कियां आपस में जोर से चीखते हुए बातें कर रही थी। निखिल ने कृतिका के साथ पार्क के 3 राउंड लगाए। जब पार्क में उन्हें देखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो फाइनली वो कृतिका को लेकर पार्क से बाहर अपनी कार में आ गया। कार में आने के बाद फाइनली कृतिका ने राहत भरी सांस ली। मैं तो वहां डरी गई थी, मुझे लग रहा था कि अब हम देर तक पार्क से निकल ही नहीं पाएंगे। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि लोग हमें देख इतने एक्साइटेड होंगे। निखिल ने सेटिस्फेक्शन में अपने सिर को हाँ में हिलाया। अब हमें बार बार पब्लिक के बीच अपीयर होना होगा ताकि लोग हमारी फोटो खींच सके। कृतिका बेचारियों से चुपचाप देखती रही। निखिल के हिसाब से आज का ये फोटो सेशन शो ऑफ के लिए काफी नहीं था। घर पहुंचने के बाद दोनों ने नहा धोकर जब नाश्ता किया तो निखिल फिर से कृतिका को शॉपिंग के बहाने घर से बाहर लेकर निकल पड़ा। उसने जबरदस्ती कृतिका को कोई कैप या बड़ी वाली सनग्लासेस नहीं पहनने दी ताकि लोग उसे अच्छे से पहचान सके। इसलिए उन दोनों को साथ देखने वाले खुशी खुशी उनके पिक लेकर इंटरनेट पर पोस्ट करने लगे। मैंने निखिल और कृतिका को देखा, मैंने तो उन्हें रेस्टोरेंट में देखा। इंटरनेट पर एक सिंगल टॉपिक ट्रेंड करने लगा था, मैंने निखिल और कृतिका को एक साथ देखा। तब किसी इंटरनेट यूजर ने सवाल किया, क्या निखिल पूरे दिन कृतिका को पूरे शहर में घुमाता रहा? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों ने एक ही दिन में दोनों को एक साथ अलग अलग जगहों पर देखा? मैंने उनकी जर्नी को एक मैप के जरिए देखने की कोशिश की। देखो निखिल कृतिका को कितनी सारी जगहों पर आज लेकर गया। एक इंटरनेट यूजर ने मैप पर कुछ सर्कल बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उन फोटोज में साफ नजर आ रहा था कि निखिल और कृतिका दोनों दिन भर में पूरे शहर में कहां कहां गए थे। ये पागलपन है, क्या निखिल और कृतिका पूरे शहर में घूमने वाले हैं? हाँ, इसलिए तो इतने सारे लोगों ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। वे दोनों ये जानबूझकर कर रहे हैं। कृतिका भी इन कमेंट्स को पढ़कर हैरान थी। उसे अंदाजा तो था कि निखिल क्यों उसे पार्क लेकर जा रहा है, लेकिन पूरे शहर में उसे घुमाने के पीछे का असली मकसद निखिल का उन दोनों के रिश्ते को लेकर शो ऑफ करना था, ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कृतिका को अंदाजा नहीं था कि निखिल उसे पूरे शहर में घुमाने वाला है। जब वो दोनों शाम में घर पहुंचे
तो कृतिका में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो बेडरूम में जाकर कपड़े बदले। वो अपने कपड़े बदले बिना ही हॉल रूम में सोफे पर लेट गई, मानो वो बेहोश हो गई थी। उसमें हिलने डुलने लायक भी ताकत नहीं बची थी। अगली बार अगर तुम्हें मुझे कहीं लेकर जाना होगा तो अपना मकसद ना क्लियरली बता देना। किसी तरह पानी का एक पूरा ग्लास खाली करने के बाद कृतिका ने कहा, अगर तुम शॉपिंग के बहाने मुझे दोबारा कहीं हमारे रिश्ते का दिखावा करने के लिए लेकर गए तो मैं आगे से तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कृतिका की वो बात सुन निखिल खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर उसने कृतिका के पैरों को अपनी थाई पर रखा और हल्के हाथों से उसके पैरों की मसाज करने लगा। कृतिका ने तुरंत उसे ऐसा करने से रोका, हे मैंने अपने पैर अभी तक धोए भी नहीं है, दिन भर वॉक करके आई हूँ, मेरे पैर पूरे गंदे होंगे। कृतिका की बात तो सही थी, उसे पूरे दिन शहर भर में घूमना पड़ा था, उसके पैर गंदे तो होंगे ही। लेकिन निखिल ने उसकी एक नहीं सुनी, वो कृतिका की जूती पहले ही उतार चुका था। कृतिका के पैर उसकी थाई पर थे, छोटे पतले और गजब के सुंदर। उसके पैरों का गोरापन किसी तुरंत के जन्म लिए बच्चे की तरह था, एकदम पिंक। किस्मत से उसके पैरों के नाखून का रंग भी इस वक्त पिंक ही था। बस कृतिका ही थी जिसे अपना पैर गंदा नजर आ रहा था, लेकिन निखिल को तो उसके पैर काफी सुंदर लग रहे थे। निखिल धीरे धीरे कृतिका के पैरों की मालिश करता रहा। आज काफी दिनों के बाद कृतिका को इतनी देर पैदल चलना पड़ा था। वो महसूस कर सकती थी कि उसके पैरों के अंगूठों में सूजन आ गई है। निखिल कुछ देर तक लगातार कृतिका के पैरों को मसाज देता रहा। फाइनली कुछ वक्त के बाद कृतिका के पैरों को आराम मिल गया। अभी कृतिका निखिल को कहने ही वाली थी कि अब वो उसके पैरों को दबाना बंद करे कि उसे आराध्या का कॉल आया। हाँ आराध्या, बोलो। कृतिका ने तुरंत उसके कॉल को पिक कर लिया। कृतिका, तुम्हें ऑनलाइन आकर देखना चाहिए कि ट्विटर पर क्या हो रहा है, आराध्या ने कहा। अचानक से ट्विटर पर तुम्हें लेकर बहुत बुरी तरह की डिस्कशन की जा रही है। इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि तुम्हें बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड निखिल सर की वजह से दिया गया है। मुझे नहीं पता कि ये बात शुरू किसने की, लेकिन ये बात काफी तेजी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। कुछ फेमस ट्विटर अकाउंट्स भी इस डिस्कशन को सपोर्ट कर रहे हैं। कृतिका तुरंत ट्विटर पर एक्टिव हो गई। उसने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फेमस लोगों ने सच में उस पोस्ट को लाइक और शेयर किया था जिसमें उसके अवार्ड को निखिल के कारण दिया गया बताया जा रहा था। कुछ सेलेब्रिटीज उसमें से ऐसे भी थे जिनसे कृतिका का सामना पहले भी हो चुका था। इंटरनेट यूजर्स उसे लेकर लगातार बुरे कमेंट्स किए जा रहे थे। कृतिका ने एक बार कहा था कि वो किसी के फेवर में लिए गए इंटरनल डिसीजन के सख्त खिलाफ है। अब देखो, इंटरनल डिसीजन के कारण ही उसने बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड जीता। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है ये। हाँ, वो कह तो रही थी कि उसने निखिल की कोई हेल्प नहीं ली, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसने निखिल की हेल्प कभी नहीं ली होगी। उसने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो सब निखिल ने उसे सोने की थाली में परोस कर दिया होगा। कृतिका के फैंस उन हेट पोस्ट और कमेंट्स से काफी परेशान थे। जो लोग इस तरह के पोस्ट और कमेंट्स कर रहे थे उससे कृतिका के फैंस बुरी तरह गुस्सा भी हो गए थे। कृतिका से नफरत करने वाले तुम सभी लोग कितने घटिया हो। आज से पहले तुम लोगों को कभी इस बात का शक क्यों नहीं हुआ कि कृतिका किसी की हेल्प ले रही है? आज जब उसने और निखिल ओबेरॉय ने खुद अपने रिश्ते को हम सबके सामने रिवील कर दिया तो तुम लोग हमारी कृतिका पर ये इल्जाम लगाने लग गए कि वो हमेशा निखिल की हेल्प लेती आई है। पागल हो गया तुम सब? मतलब कोई इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है तो ये बात तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है? लेकिन हम गलत कहाँ कह रहे हैं? बैटल ऑफ इंद्रावत के टाइम क्या हुआ था सबको याद है। उस फिल्म को ओबेरॉय थिएटर चेन ने कितनी कम शो टाइमिंग दी थी ये कोई कैसे भूल सकता है? उस फिल्म को टाइम से पहले ही थिएटर से हटना पड़ा। ये कृतिका के कारण हुआ था क्योंकि कृतिका ने ये सब करने में निखिल की हेल्प ली थी।
वो मैटर अलग है, निखिल कृतिका का हस्बैंड है। मिलन ने कृतिका को लेकर जितनी बुरी बातें कही थी वो भी हम सबको याद है। जो कुछ उसने कहा, क्या उसके बाद एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? लेकिन वो बात फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दी गई बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से कैसे आ जुड़ी? यहाँ कृतिका को ये अवार्ड उसकी एक्टिंग एबिलिटी के लिए दिया गया है, ये क्यों भूल रहे हो तुम सब? तुम लोग कह रहे हो कि कृतिका को ये अवार्ड निखिल की वजह से मिला है, क्यों? तुम लोगों के पास इसका कोई प्रूफ है? जब सब कुछ आंख के सामने हो तो किसी बात को प्रूव करने की जरूरत ही क्या है? कृतिका के साथ इस अवार्ड के लिए और भी एक्ट्रेसेस नॉमिनेट हुई थी, उन्हें ये अवार्ड क्यों नहीं मिला? उनकी एक्टिंग भी तो उनकी फिल्मों में काफी अच्छी थी, और मैं कहूँ तो एक दो ने तो कृतिका से भी बेहतर एक्टिंग की थी अपनी फिल्म में। फिर कृतिका को ही क्यों बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड दिया गया? निश्चित ही इसमें निखिल का हाथ है। अगर कोई ये कहता है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था तो मैं ये तो बात मानने से रहा। तुम्हारे मानने या ना मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिना किसी प्रूफ के कुछ भी अनाप शनाप बकोगे और हम उसे सच मान लेंगे? हो कौन तुम और समझते क्या हो तुम अपने आप को? कृतिका इन कमेंट्स को एक एक करके पढ़ती जा रही थी। अचानक से ही उसके सामने कुछ वक्त पहले विशाल का दिया गया एक इंटरव्यू भी आ गया। उस वीडियो में विशाल ये कहता दिखाई दे रहा था कि कृतिका को ना तो बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिलेगा, ना तो बेस्ट एक्ट्रेस का, और ना ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। ये वीडियो सब देखो, विशाल ने कृतिका को लेकर कुछ वक्त पहले क्या कहा था। वो एक डायरेक्टर है, किसी एक्टर का एक्टिंग टैलेंट कैसा है ये बात वो आसानी से समझ सकता है। वो कृतिका के बारे में गलत तो नहीं बोल सकता है ना? अरे बस भी करो, कौन ये बात नहीं जानता कि कृतिका विशाल को फूटी आंख नहीं सुहाती है। उसे कृतिका पसंद नहीं और इसलिए वो अपनी पावर को यूज कर कृतिका की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करना चाहता है बस। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचो कि कृतिका को इतने सारे लोग नापसंद क्यों करते हैं। निश्चित ही कृतिका दिल की अच्छी नहीं है, तभी तो लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। इंटरनेट पर मचे इस घमासान पर जैसे ही विशाल की नजर गई, वो खुशी के मारे नाचने लगा। कृतिका अचानक से पब्लिक की नजर में गिर रही थी। लोगों का फेवर कृतिका के लिए लगातार कम होता जा रहा था। ये बात उसे खुशी कैसे नहीं देती? उसने इस मौके को जाने नहीं दिया। अपने कनेक्शन के थ्रू उसने पेड इंटरनेट अकाउंट्स को कृतिका को और बदनाम करने के काम में लगा दिया। उसे पता नहीं था कि कृतिका को लेकर हो रहे इस बुरे डिस्कशन की शुरुआत किसने की थी। कृतिका ने कई लोगों को अपने अब तक के करियर में अपना दुश्मन बनाया था। चूंकि अब कृतिका निखिल के साथ अपने रिश्ते को लोगों के बीच ले आई थी, इसलिए उसके ज्यादातर दुश्मन अब उसके बारे में कुछ भी कहने से बुरी तरह डर रहे थे। वे सब इस बात से डरे हुए थे कि अगर उन्होंने कृतिका को आगे भी परेशान किया तो उन सबको निखिल के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इसके बावजूद भी किसी ने कृतिका को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इस बात को नोटिस कर विशाल समझ गया कि वो जो कोई भी है, कृतिका से उसकी दुश्मनी काफी कट्टर रही होगी। विशाल ने सोचा कि क्यों ना बहती दरिया में हाथ धो लिए जाए। विशाल मन ही मन ये दुआ करने लगा कि कृतिका के सभी दुश्मन उसके खिलाफ ऐसे बुरे डिस्कशन करना शुरू कर दें। इस बीच वो भी कृतिका को अपना निशाना बनाता रहेगा। कृतिका के लिए ये सब अचानक से हुआ था, वो इसके लिए तैयार नहीं थी। निखिल जो कि कृतिका के साथ था, उसने कृतिका के हाथ से उसका मोबाइल लेकर उसके खिलाफ हो रहे उन बुरे कमेंट्स को देखना शुरू कर दिया। कृतिका के कुछ कहने से पहले ही वो समझ गया कि उसे क्या करना है। निखिल ने तुरंत अनुपम को कॉल किया। उसने उससे कहा कि कृतिका के खिलाफ अचानक से शुरू हुए इस बुरे डिस्कशन के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है,
वो जल्द से जल्द पता करके उसे बताए। इस दौरान कृतिका ये देखने लगी कि किन फेमस ट्विटर अकाउंट से उसके खिलाफ हो रहे इस बुरे डिस्कशन को शेयर किया जा रहा था। कृतिका ने नोटिस किया कि एडस्किन एंटरटेनमेंट की तरफ से उसे लेकर किसी भी बुरे पोस्ट को शेयर नहीं किया गया है, यानी वो आगे भी उनके साथ पहले की तरह अच्छे टर्म पर काम कर सकती थी। रही बात उन फेमस अकाउंट्स की जो कि कृतिका के साथ पहले काम कर चुके थे और आज उसके खिलाफ हो रहे बुरे पोस्ट को बस इसलिए शेयर कर रहे थे ताकि उनके फॉलोअर्स की संख्या में थोड़ा इजाफा हो जाए। कृतिका ने अपनी छोटी सी डायरी में उन सभी अकाउंट्स के नाम को नोट कर लिया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद साफ था, वो फ्यूचर में उनके साथ किसी भी कीमत पर काम नहीं करने वाली थी। जल्दी ही अनुपम ने निखिल को रिटर्न कॉल किया। उसकी बातें सुनने के बाद निखिल ने कृतिका से कहा, विशाल के वीडियो को विशाल ने ही किसी दूसरे पेड अकाउंट से पोस्ट करवाया है। रही बात इस स्कैंडल को शुरू करने की, तो किसने ये किया इसे पता लगाने में अनुपम को थोड़ा वक्त और लगेगा। कृतिका ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। इतनी जल्दी में अनुपम का इस पूरे मामले में विशाल के इन्वॉल्वमेंट का पता लगा लेना भी एक बड़ी बात थी। वो सबसे पहले विशाल को ही सबक सिखाएगी। कृतिका के लिए भी पेड ट्विटर अकाउंट्स वालों को हायर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने तुरंत वैसे कुछ अकाउंट्स होल्डर्स से कांटेक्ट किया जो उसके लिए हमेशा से काम करते आए थे। जो लोग कृतिका का नाम बदनाम करते थे उनसे निपटने का कृतिका का तरीका काफी सिंपल था। वो उन लोगों के शुरू किए गए टॉपिक को कभी नहीं बदलती, हाँ लेकिन वो उनमें एक नया एंगल जरूर जोड़ देती थी। बाकी का काम इंटरनेट यूजर्स अपने आप कर देते थे। जल्दी ही कृतिका के पेड अकाउंट्स होल्डर्स ने कृतिका के कहे अनुसार एक लॉजिकल बात इंटरनेट पर शेयर करनी शुरू कर दी। अगर कृतिका को बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड निखिल की वजह से मिला है तो उसकी हेल्प से उसने बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड ही क्यों लिया? जो तुम हेटर्स लोग कह रहे हो अगर वो सच है तो वो निखिल की मदद से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी तो ले सकती थी ना। अगर बेस्ट एक्ट्रेस नहीं तो कम से कम बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड तो वो ले ही सकती थी। बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से ये दो अवार्ड तो कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, कृतिका को निखिल की हेल्प लेनी ही थी तो उसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को हासिल करना था, ना कि उससे नीचे के फालतू टाइप किसी दूसरे अवार्ड को। हाँ बिल्कुल सही, अगर निखिल कृतिका को दिए गए अवार्ड में इन्वॉल्व रहता तो वो उसे बेस्ट एक्ट्रेस से कम का कोई अवार्ड देता ही नहीं। ऐसे लॉजिक ज्यादा देर तक कामयाब नहीं होते, लेकिन फिलहाल के लिए इसने कृतिका के सपोर्टर को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो दे दिया था जिससे कि वो कृतिका को डिफेंड कर सकते थे। इससे कृतिका उन बुरे डिस्कशंस को बंद तो नहीं करवा सकती थी, लेकिन इससे उसे इतना टाइम तो मिल ही जाता कि वो आगे के अपने प्लान पर अमल कर पाती। उस लॉजिकल पोस्ट के तुरंत बाद कृतिका ने एडस्किन एंटरटेनमेंट को कॉन्टेक्ट किया। फिलहाल इंटरनेट पर सभी मेरी बुराई करने में बिजी हैं, लेकिन आपने अब तक ऐसा नहीं किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। तुम ये मत समझने लगना कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं निखिल सर से डरा हुआ हूँ, ठीक है ना? एडस्किन एंटरटेनमेंट की तरफ से रिप्लाई आया। कृतिका ना चाहते हुए भी उसके मैसेज को पढ़ने के बाद खिल खिलाकर हंस पड़ी। मेरे ख्याल से निखिल सर अभी तुम्हारे पास ही मौजूद होंगे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? एडस्किन एंटरटेनमेंट ने सवाल किया। हाँ वो मेरे पास बैठे हुए हैं, कृतिका ने जवाब दिया। अचानक से एडस्किन एंटरटेनमेंट वाले ने कहा, निखिल सर मैं कृतिका जी की साइड में हूँ, आप मेरी ओर से बेफिक्र रहें। उसकी इस बात को सुन कृतिका थोड़ा सा हैरान हो गई, जबकि निखिल उसकी बात सुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं अपने पीआर वर्क की शुरुआत से ही इसके साथ काम करती आई हूँ। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि इनके साथ मेरा टाई अप बुरा नहीं है। आज के इंसिडेंट के बाद मैं कह सकती हूँ
कि ये ऐसा बंदा है जिसके साथ मैं आगे भी हमेशा काम करते रहना चाहूंगी। वैसे मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सोचती है कि एट स्किन एंटरटेनमेंट और मैं अच्छे वर्किंग पार्टनर्स हैं। कई इंटरनेट यूजर्स भी इस बात को जानते और समझते हैं। कृतिका ने निखिल से कहा। कुछ पल के बाद एट स्किन एंटरटेनमेंट की तरफ से मैसेज आया। दूसरे ट्विटर अकाउंट्स इसलिए निखिल सर से नहीं डर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ ओबेरॉय कॉरपोरेशन अपनी टांग नहीं अड़ा सकती है। उनके हिसाब से ट्विटर पर उन्हें ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वे अकाउंट्स कोई डायरेक्टर, एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जिसे अपने फिल्मी करियर के बर्बाद होने का डर हो। कृतिका, तुम्हारे मैसेज के आने के साथ ही साथ मुझे किसी ने मैसेज के थ्रू कॉन्टेक्ट किया। वो मुझे तुम्हें डिफेम करने के लिए कह रहा था लेकिन मैंने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। हम दोनों का वर्किंग रिलेशन काफी अच्छा है। थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए मैं इसे बर्बाद करने वाला नहीं। एट स्किन एंटरटेनमेंट ईमानदारी से आगे मैसेज लिखता रहा। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे साथ क्यों काम करना पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मैं वैसे लोगों में से नहीं हूँ जो मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं। मैं ये बात जानती हूँ और मैं भी आपकी ही तरह आपको अपना दोस्त मानती हूँ। कृतिका ने एक स्माइली वाली इमोजी के साथ वो मैसेज सेंड किया। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे अभी क्या करना है। एट स्किन एंटरटेनमेंट अब मुद्दे की बात पर आ चुका था। वो जानता था कि कृतिका उसे बिना किसी काम के ऐसे ही कॉन्टेक्ट नहीं करती है। विशाल को लेकर मेरे पास कुछ जानकारी है, लेकिन इस बार हर बार की तरह मेरे पास मौजूद जानकारी को लेकर मेरे पास कोई पक्के सबूत नहीं है। मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि ये जानकारी मुझे दिवाकर, तलपेश और अवनी से मिली है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों को लेकर किए जा रहे आकलन के वक्त जज पैनल में विशाल ने जो कुछ किया था वो सब अवनी कृतिका को बतला चुकी थी। दिवाकर और तलपेश ने भी बाद में उससे इस बारे में बात की थी, लेकिन चूंकि जजिंग के दौरान किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, इसलिए कृतिका के पास विशाल की करतूत का कोई वीडियो प्रूफ नहीं था। उसे इस मामले में दिवाकर, तलपेश और अवनी के सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन कृतिका उनमें से किसी को भी इस मैटर में खींचने वाली नहीं थी। ये सारा बखेड़ा उसके और विशाल के बीच का था। इसे हैंडल भी उसे अकेले ही करना था। लेकिन जो पेड ट्विटर अकाउंट होल्डर्स मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, उनके पास भी उनकी कही किसी बात का कोई सबूत नहीं है। यानी कि अगर इस एक बार मैं आपको अपनी बात का कोई सबूत नहीं भी देती हूँ तो भी ये काम कर जाना चाहिए, कृतिका ने कहा। तुम्हारी बात सही है, वो जानकारी क्या है मुझे बताओ, एट स्किन एंटरटेनमेंट ने सवाल किया। विशाल ने खुद से इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल को नहीं छोड़ा था। उसे फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने जज पैनल से बाहर कर दिया था, कृतिका ने कहा। तब एक इंटरव्यू में विशाल ने कहा था कि उसने खुद को जज पैनल से इसलिए अलग किया क्योंकि उसके पास डायरेक्शन रिलेटेड एक काम आ गया था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया था। जो मैंने कहा है उसे अपने लोगों से इन्वेस्टिगेट करवा कर मैं आपको अपनी बात का प्रूफ भी दे सकती हूँ। उसे फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल से इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि वो जजिंग के अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा था। जजिंग के दौरान उसने जज को मिले वीटो पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया। कृतिका ने धीरे धीरे एट स्किन एंटरटेनमेंट को विशाल के जज पैनल से जुड़ी सभी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेरी ये बात आसानी से ये एक्सप्लेन कर सकती है कि क्यों विशाल बार बार अपने इंटरव्यू में जानबूझकर मेरे बारे में बात करता रहा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि मुझे कोई अवार्ड ना मिल सके, कृतिका ने आगे कहा। कृतिका के मैसेज को पढ़ एट स्किन एंटरटेनमेंट वाला शख्स हैरान हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि विशाल
इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल से बाहर निकाल दिया गया था। कृतिका, अगर ये बात एक्सपोज की गई तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। जानती हूँ, जब मेरे दुश्मन बिना किसी सबूत के मुझे बदनाम कर सकते हैं तो खुद को सही साबित करने के लिए मुझे भी किसी सबूत की जरूरत नहीं। कम से कम मैं इतना तो जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, ना कि मेरे दुश्मनों की बातों की तरह झूठ, कृतिका ने कहा। जिस दौरान कृतिका ने कहा कि वो विशाल के वर्क स्केड्यूल को अपने लोगों से इन्वेस्टिगेट कर अपनी बात को सच साबित कर सकती है, तो उसकी बात सुनते ही निखिल ने तुरंत अनुपम को कॉल कर उसे विशाल के वर्क स्केड्यूल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कह दिया था। विशाल को ढूंढना उस शख्स को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान था जिसने कृतिका के खिलाफ इंटरनेट पर आज सबसे पहले जहर उगला था। जल्दी ही अनुपम ने विशाल के इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल से बाहर किए जाने के बाद के वर्क स्केड्यूल के बारे में पता किया और फिर उसे निखिल को भेज दिया। कृतिका ने तुरंत वो वर्क स्केड्यूल 8skin एंटरटेनमेंट को सेंड कर दिया। उसे देखने के बाद 8skin एंटरटेनमेंट ने कहा, ये एक तरह से तुम्हारी बात को प्रूव करने का इनडायरेक्ट एविडेंस है। ऑफ कोर्स ऐसे कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी इस बात को नकार देंगे, लेकिन ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं होगी जो विशाल को लेकर कही गई तुम्हारी इस बात का विश्वास करेंगे। कृतिका भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। मैं तुरंत इसे इंटरनेट पर अपलोड करने का काम करता हूँ। 8skin एंटरटेनमेंट ने कृतिका को एक मैसेज किया और फिर अपने काम में लग गया। जो लोग कृतिका को ऑनलाइन टारगेट कर उसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, वे सब फिलहाल मेन टॉपिक से भटक गए थे। कृतिका ने ट्विटर पर जिन पेड अकाउंट होल्डर्स को हायर किया था उनकी वजह से फिलहाल कृतिका के हेटर्स बात तो कृतिका के ही बारे में कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, जिस वजह से कृतिका पर किया जा रहा कृतिका के हेटर्स का अटैक थोड़ा धीमा पड़ गया था। जल्दी ही 8skin एंटरटेनमेंट ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में 8skin एंटरटेनमेंट ने विशाल को इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज की पोजीशन से बाहर किए जाने के असली कारण को एक्सपोज किया था। कृतिका के साथ काम करते हुए 8skin एंटरटेनमेंट ने भी पीआर फील्ड के कुछ तौर तरीके, खास करके कृतिका के तौर तरीके सीख लिए थे। उसने डायरेक्ट विशाल को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया। सबसे पहले 8skin एंटरटेनमेंट ने एक दूसरे अननोन अकाउंट से विशाल के सच को ट्विटर पर रिवील किया। उसके बाद उस अननोन अकाउंट के पोस्ट की स्क्रीन शॉट्स लेकर उसने उसे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। ये सब कुछ इस तरह से हुआ। अननोन अकाउंट, 8skin एंटरटेनमेंट, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। ये न्यूज डायरेक्टर विशाल से रिलेटेड है। 8skin एंटरटेनमेंट, अरे तुम किस डायरेक्टर का नाम ले रहे हो? जानते हो ना कि उसे इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कोई अवार्ड नहीं मिला है, फिर मैं उससे जुड़ी न्यूज क्यों पब्लिश करूं? अननोन अकाउंट, लेकिन ये न्यूज काफी एक्सप्लोसिव है। साथ ही ये न्यूज एक्ट्रेस कृतिका से भी जुड़ी हुई है। आज के दिन ट्विटर पर बस वो ही तो ट्रेंड कर रही है। 8skin एंटरटेनमेंट, ठीक है, बताओ मुझे क्या है न्यूज तुम्हारे पास। इसके बाद उस अननोन अकाउंट से 8skin एंटरटेनमेंट ने विशाल को फिल्म फेस्टिवल में जज पैनल से हटाए जाने की बात एक्सपोज कर दी। 8skin एंटरटेनमेंट, अब समझ में आया कि विशाल क्यों बार बार कृतिका को टारगेट कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी इंटरनेट यूजर्स का एक ग्रुप कृतिका को लेकर हो रहे बुरे डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहा था। वे सब सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे थे। इस बात के इंतजार में जब फाइनली कृतिका पर लग रहे इल्जामों का सच रिवील होगा, तब वो उस पर लगे इल्जाम पर अपनी राय देंगे। जब 8skin एंटरटेनमेंट की तरफ से विशाल को लेकर जज पैनल से हटाए जाने वाली पोस्ट की गई, तो अब तक जो इंटरनेट यूजर्स चुपचाप तमाशा देख रहे थे, वे सब भी कृतिका को लेकर
हो रही बहस में कूद पड़े। क्या ये सच है? अगर हाँ तो मेरे नजरों में विशाल एक निहायत ही गिरा हुआ इंसान है। हाँ यार, वीटो पावर का ऐसा गलत इस्तेमाल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ठीक इसके बाद कृतिका और एट स्किन एंटरटेनमेंट ने मिलकर एक तीसरे अकाउंट को हायर किया, जिसने कि फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल से हटाए जाने के बाद के विशाल के वर्क स्केड्यूल को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। अब आप लोग ये मत पूछना कि मुझे ये कहां से मिला, लेकिन ये जज पैनल से हटाए जाने के बाद का विशाल का रियल वर्क स्केड्यूल है। अगर आप में से किसी का कॉन्टैक्ट विशाल के वर्किंग पार्टनर से है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर इस वर्क स्केड्यूल को कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया गया, वैसे ही कृतिका को लेकर की जा रही बुरी बातें विशाल की ओर पलट गई। सभी इंटरनेट यूजर्स विशाल को टैग कर उससे सवाल करने लगे, विशाल सर क्या ये बात सच है? अरे तुम लोग विशाल के पीछे मत पड़ जाओ, हम सब कृतिका की चालों को जानते हैं। ये जरूर उसकी कोई चाल है ताकि हमारा ध्यान उससे हटकर विशाल पर आ जाए। कृतिका की चाल को मारो गोली, पहले ये बताओ कि विशाल के बारे में जो कहा गया अगर वो सच है तो क्या हम इसे झूठ मानकर नजरअंदाज कर दें? हाँ, ये वर्क स्केड्यूल इस मैटर में काफी इम्पोर्टेंट है। विशाल ने कहा था कि अपने वर्क स्केड्यूल की वजह से उसने इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज की पोजीशन से खुद को अलग कर लिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसे तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल से बाहर निकाला गया था। जो लोग इस पोस्ट की सच्चाई को जानना चाहते थे, उन्होंने तुरंत अपने सोर्स के जरिए विशाल के वर्क स्केड्यूल को पता करने की कोशिश की। मैंने विशाल के वर्क स्केड्यूल को वेरीफाई कर लिया है। जो वर्क स्केड्यूल हम देख रहे हैं वो 100% सही है। पहले सभी का टारगेट कृतिका थी, लेकिन अब विशाल। जब विशाल ने ये बात नोटिस की तो उसे तो जैसे लकवा ही मार गया। कृतिका को लेकर की जा रही बुरी बातें घूम फिर कर उस पर कैसे आ पहुंची? खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी पोस्ट करने से पहले विशाल ने कुछ प्रोफेशनल पीआर से कॉन्टेक्ट किया। बिना किसी तैयारी के वो लड़ाई के मैदान में उतरने की गलती नहीं करने वाला था। ब्रिजेश एक पीआर था जिसे विशाल ने इस मैटर में अपनी हेल्प के लिए आनन फानन में हायर कर लिया था। फिलहाल ब्रिजेश विशाल के घर में उसके साथ था। सिचुएशन में अचानक से जो बदलाव आए थे उसे देखने के बाद ब्रिजेश ने विशाल से कहा, ये निश्चित है कृतिका का काम है। आप पर लोगों का अटेंशन डालकर उसने खुद को इस टॉपिक से बाहर निकाल लिया है। आप खुद देख सकते हैं, कोई भी इंटरनेट यूजर अब कृतिका को लेकर कोई भी नेगेटिव पोस्ट नहीं कर रहा है। तो ये बताकर तुमने कौन सा तीर मार लिया? विशाल ने तुरंत ब्रिजेश को डांट लगाई, तुम्हारे बिना बताए भी मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सब कृतिका की चाल है। फिलहाल इंडस्ट्री में उसके अलावा ऐसा खेल खेलने का दिमाग किसी और के पास नहीं। यहाँ हंसने वाली बात ये थी कि विशाल ने खुद कृतिका के खिलाफ चाल चली थी, लेकिन अब जब कृतिका ने उसके खिलाफ चाल चली तो ये बात उसे बुरी लग गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? न जाने कितने सारे लोग मुझसे इस बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या वे सब मेरे चक्कर में कृतिका को ऐसे ही जाने देंगे? विशाल को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शुरुआत में प्रॉब्लम में वो थी, लेकिन अब प्रॉब्लम में मैं हूँ। उस लड़की का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बिगड़ रहा है। ब्रिजेश ने थोड़ी देर इस बारे में सोचा और फिर उसने कहा, हम एक काम करते हैं। जैसे कृतिका ने खुद से जुड़े टॉपिक के मेन मुद्दे से खुद को हटाकर आपको उसमें धकेल दिया, वैसे ही हम अभी के मुद्दे से आपको हटाकर वापस से उसमें कृतिका को खींच लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम पेड ट्विटर अकाउंट्स होल्डर्स को थोड़े पैसे ज्यादा देंगे, ताकि वे जोर शोर से किसी की भी बात को घुमाकर बस कृतिका के बारे में ही नेगेटिव बात करें। इस तरह से जो जेन्युइन अकाउंट होल्डर्स कृतिका के फेवर में बात कर रहे हैं उनकी आवाज दब जाएगी और मुद्दा फिर से कृतिका का निखिल की हेल्प से बेस्ट न्यू कमर अवार्ड हासिल करना बन जाएगा। बहुत अच्छे, हम ऐसा ही करेंगे।
विशाल खुशी से चहकते हुए बोला। इधर कृतिका के व्हाट्सएप पर दिवाकर और तलपेश ने उन तीनों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे मैसेज किया। हेलो दिवाकर अंकल, हेलो तलपेश भैया। कृतिका ने दोनों को हेलो कहा। कृतिका ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वे दोनों ऑनलाइन उसे लेकर मचे बवाल को उससे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उसका अंदाजा सही था। तलपेश ने कृतिका से सवाल किया, कृतिका ट्विटर पर क्या हो रहा है तुम जानती हो ना? विशाल को इंटरनेट यूजर्स का टारगेट करना तलपेश और दिवाकर को ये समझाने के लिए काफी था कि ये जरूर कृतिका की वजह से हो रहा है। हाँ मैं जानती हूँ और मैं धीरे धीरे चीजों को सेटल भी कर रही हूँ, कृतिका ने जवाब दिया। हम बस तुमसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें हम दोनों की जरूरत है? तुम कहोगी तो हम विशाल के खिलाफ तुम्हारे सपोर्ट में बोल सकते हैं, दिवाकर ने कहा। एट स्किन एंटरटेनमेंट ने विशाल को एक्सपोज किया है, ये मैं देख चुका हूँ, पर मेरे ख्याल से उसके पास या तुम्हारे पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। मेरे और तलपेश के अलावा जज पैनल के बाकी लोग विशाल के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए तुम ये बताओ कि तुम्हें हम दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर हाँ तो हम विशाल के खिलाफ तुम्हारे सपोर्ट में ट्विटर पर आने के लिए तैयार हैं। नहीं फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग प्लीज अभी कुछ मत कीजिए, मुझे अपनी से भी इस बारे में बात करनी है। फिलहाल ट्विटर पर दो ग्रुप मुझे बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन दोनों में एक तो निश्चित ही विशाल है और दूसरे का मैं अभी पता लगा नहीं पाई हूँ। फिलहाल मैं विशाल से निपट रही हूँ, उसने जो भी मेरे बारे में कहा है उसे गलत साबित करने के लिए मैंने इंटरनेट पर उसके वर्क स्केड्यूल को भी डाल दिया है। इसलिए विशाल के खिलाफ आप दोनों को फिलहाल ट्विटर पर आकर किसी तरह के नेगेटिव पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को बेकार में इस मामले में खींचना नहीं चाहती हूँ। दरअसल विशाल और तलपेश दोनों ही कृतिका के अच्छे दोस्त थे, ये बात आम लोग भी जानते थे। ऐसे में अगर वे दोनों कृतिका के सपोर्ट में आकर विशाल के अगेंस्ट कुछ कहते तो इससे नुकसान कृतिका को ही होता। लोग सीधे सीधे यही कहते कि निखिल के साथ साथ कृतिका की साठगांठ दिवाकर और तलपेश से भी तो है। दिवाकर भी ये बात समझता था। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा करो, अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बस एक बार हमें कॉन्टेक्ट कर लेना। थैंक्स अंकल, कृतिका ने रिप्लाई किया। दिवाकर और तलपेश से बात कर लेने के बाद कृतिका ने तुरंत अवनी को कॉल किया। अवनी का गुस्सा उसके नाक पर रहता था। कौन क्या कहेगा या क्या सोचेगा उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, यहां तक कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कहीं इंटरनेट यूजर्स उसे टारगेट ना करने लगे। डरना उसके नेचर में था ही नहीं। कृतिका के अगेंस्ट किए जा रहे बुरे डिस्कशन पर वो लोगों को डांटने के लिए पोस्ट करने ही वाली थी कि उसकी मैनेजर समीक्षा ने उसे उसका फोन छीन लिया। अरे पागल, तुम ऑनलाइन लोगों को डांटने जा रही थी क्या? अवनी के फोन को लेकर उससे कुछ कदम पीछे हटते हुए समीक्षा ने उससे सवाल किया। अवनी हैरान होकर कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, नहीं मैं किसी को डांटने वाली नहीं, मैं बस अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? बस अपनी फीलिंग्स? मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छे से जानती हूँ अवनी, तुम निश्चित ही लोगों की और लोगों के साथ साथ विशाल की खबर लेने वाली थी। समीक्षा ने अवनी की बात पर विश्वास नहीं किया। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो भी तुमने करने का सोचा है मैं वो तुम्हें करने नहीं दूंगी, क्योंकि कृतिका से अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अगर तुमने अभी किसी को डांटा तो बहुत सारे लोग तुम्हें लेकर बुरी बातें करना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे कि तुम घमंडी हो। मुझे इसकी आदत है, लोग हमेशा मेरे बारे में बुरी बातें ही करते आए हैं। लोगों को जो कहना है उन्हें वो कहने दो, कहते हुए अवनी ने समीक्षा के हाथ से अपना मोबाइल लपकने की कोशिश की। अरे यार एक मिनट के लिए रुको तो, लोग अब ये जानते हैं
कि कृतिका निखिल की वाइफ है। निखिल के परिवार और तुम्हारे परिवार के बीच की गहरी दोस्ती के बारे में भी लोगों को सब कुछ पता है। ऐसे में अगर तुम कृतिका के फेवर में कुछ भी बोलती हो तो लोग तुरंत तुम्हें और कृतिका को एक दूसरे से लिंक कर लेंगे और कहेंगे कि निखिल की फैमिली से अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए तुमने जानबूझकर कृतिका को बेस्ट न्यूकमर अवार्ड देने के डिसीजन के फेवर में अपना वोट दिया। आखिर तुम भी तो फेस्टिवल के जज पैनल में शामिल थी। लोग इस बात पर सवाल उठाने लगेंगे कि तुमने इंडियन फिल्म फेस्टिवल में ऑनेस्ट जजिंग की थी या नहीं। समीक्षा ने चीजों को समझते हुए लॉजिकल बात कही। मेरी जजमेंट पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड नहीं रहती है। मैं किसी एक्टर को जज उसके एक्टिंग टैलेंट पर करती हूँ। अगर कोई एक्टर अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छी एक्टिंग करता है। अगर कोई एक्टर बुरा है तो उसकी एक्टिंग भी बुरी होगी। मैं कभी भी किसी एक्टर को इसलिए फेवर नहीं करूंगी कि उसके साथ मेरे निजी रिश्ते अच्छे हैं। अवनी ने कहा, मैं अपने काम में अनबायस्ड हूँ और हमेशा ऑनेस्ट रहकर अपना काम करती हूँ। समीक्षा अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। किसी बुरे इंसान से नफरत करने का अवनी का नेचर इतने सालों के बाद भी नहीं बदला था। वो किससे नफरत करती है और किसे पसंद करती है, इस बात को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर था। अगर उसकी नजर किसी ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे वो पसंद नहीं करती है तो वो उस शख्स की ओर एक बार देखेगी भी नहीं। उसे उस शख्स की कभी रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी। उसके इस नेचर का कारण अवनी का स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होना भी था। वानिध्य परिवार की बेटी होने की वजह से अवनी चाहे कितनी भी घमंडी क्यों ना हो, कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अगर वो वानिध्य परिवार की बेटी नहीं होती, उसके घमंडी बिहेवियर की वजह से कब तक का उसे इंडस्ट्री का सपोर्ट मिलना बंद हो चुका होता। फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल बस अवनी और कृतिका ही ऐसी एक्ट्रेस थीं जो हमेशा अपने मन की करती थी। अवनी हमेशा लोगों को अपने मन से डांट देती थी, वहीं कृतिका अपनी चालों से इंडस्ट्री के लोगों के नाक में दम किए रखती थी। दोनों का ही बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए बहुत गिने चुने लोग ही दोनों को टारगेट करने की कोशिश करते थे। हाँ, मैं तुम्हारे काम करने के अंदाज को भी जानती हूँ और तुम्हारे टेम्पर को भी, लेकिन उनका क्या जो तुम्हें नहीं जानते हैं, समीक्षा आह भरते हुए बोली। जो लोग कृतिका को फिलहाल टारगेट कर रहे हैं उनकी तो बात ही मत करो। वे सब ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। फिर उन्हें इस बात की कहां परवाह रहने वाली है कि तुम सच कह रही हो या झूठ। अगर तुम अचानक से ऑनलाइन आकर कृतिका के फेवर में बातें करोगी तो शायद तुम उसकी कोई हेल्प भी ना कर पाओ। उल्टे लोग तुम्हें गलत समझकर तुम्हें भी बेरुखी बातें सुनाने लग जाएं, समीक्षा ने एक्सप्लेन किया। समीक्षा की बातें सुन अवनी ने अपना मुंह ऐंठ लिया। फिर कुछ पल के बाद वो बोली, अगर मैं कृतिका के फेवर में ट्विटर पर जाकर कुछ भी नहीं बोलती हूँ तो भी देर सवेर लोग फिल्म फेस्टिवल के जजेस को भी निशाना बनाने लग ही जाएंगे। तब मेरे बारे में भी इंटरनेट यूजर्स बुरी बातें करेंगे ही। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मैं हमारे पीआर को कॉन्टैक्ट करने वाली हूँ ताकि हम ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए पहले से तैयार रहें। इसलिए मेरी प्यारी अवनी, प्लीज तुम कृतिका की चिंता मत करो। तुम्हारे पास अपने खुद के कई मैटर्स हैं जिसे हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, समीक्षा ने अवनी को समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ, अवनी ने गुस्सा होते हुए समीक्षा की बात को नकार दिया। अभी अवनी ये समीक्षा की बात को नकार ही रही थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। देखो, मेरा फोन रिंग कर रहा है, मेरा फोन दो मुझे, अवनी ने कहा। समीक्षा ने अवनी के फोन स्क्रीन पर नजर डाली तो उसने देखा कि वो कॉल कृतिका का था। समीक्षा का मन अवनी को उसका फोन देने का नहीं हुआ। उसे लगा कि कृतिका ने अवनी को कॉल खुद से जुड़े मैटर में उसकी हेल्प मांगने के लिए किया है। अगर बात ऐसी है तो अवनी निश्चित ही कृतिका की हेल्प करेगी। नहीं, तुम ये कॉल रिसीव नहीं करोगी, समीक्षा ने कहा। अवनी चुप होकर समीक्षा को घूरने लगी।
उसे अब समीक्षा पर गुस्सा आ रहा था। मुझे कॉल कृतिका ने किया है ना, इसलिए तुम मुझे मेरा फोन नहीं दे रही हो। ये गलत है समीक्षा, अब तुम ये फैसला भी खुद ही करोगी क्या कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। कृतिका मेरी दोस्त है, तुम मुझे उससे बात करने से रोक नहीं सकती। अवनी किसी शेरनी की तरह गरज उठी। अगर तुम्हें लगता है कि कृतिका ने मुझे कॉल मेरी हेल्प मांगने के लिए किया है तो तुम उसे गलत समझ रही हो। देखना, वो मुझसे हेल्प नहीं मांगेगी, बल्कि वो मुझे उसके फेवर में कुछ भी करने से रोकेगी। अवनी को गुस्से में देख समीक्षा घबरा उठी, लेकिन अवनी के कहने के बावजूद भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कृतिका ने अवनी को कॉल उसकी हेल्प मांगने के लिए नहीं किया है। जिस सिचुएशन में कृतिका थी वो डूबते को तिनके का सहारा वाली सिचुएशन थी। ऐसे में कृतिका को हर किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। मुझे मेरा फोन दो समीक्षा, अवनी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। समीक्षा ने अपना मुंह ऐंठ लिया। एक शर्त पर, अगर कृतिका ने तुमसे तुम्हारी हेल्प मांगी तो तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो जाओगी। मुसीबत में जिन्हें किसी शख्स की याद आए वो असल जिंदगी में उसे अपना दोस्त नहीं समझते हैं। तुम कृतिका को अपना दोस्त मानती हो, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती है। अवनी एक पल के लिए शांत रही, फिर उसने समीक्षा से कहा, चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? समीक्षा ने सवाल किया। अगर कृतिका के कॉल का मकसद मुझसे मेरी हेल्प मांगना नहीं हुआ बल्कि मुझे अपने मन से उसकी हेल्प करने से रोकना रहा, तो आगे से ऐसी किसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए तुम डिसाइड नहीं करोगी। तब मेरा मन जो कहेगा मैं वही करूंगी। ठीक इसके उलट, अगर कृतिका के कॉल का मकसद मुझसे मेरी हेल्प मांगना हुआ तो आगे से ऐसी किसी भी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए ये तुम तय करोगी, और मेरा मन हो या ना हो मैं तब तुम्हारी बात हर कीमत पर मानूंगी, अवनी ने कहा। समीक्षा को खुद की सोच पर भरोसा था, इसलिए वो तुरंत अवनी की बात मान गई। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अवनी ने अपना हाथ समीक्षा की ओर बढ़ा दिया। तो अब मुझे मेरा फोन दो। समीक्षा ने उसे उसका फोन दे दिया, लेकिन इस बहस के बीच देर तक कॉल रिसीव ना किए जाने की वजह से कृतिका का कॉल कट हो चुका था। अवनी ने तुरंत कृतिका को रिटर्न कॉल किया, साथ ही उसने अपना फोन स्पीकर पर डाल दिया। स्पीकर पर फोन होने की वजह से समीक्षा कृतिका की सारी बातें सुन सकती थी। इधर जब अवनी ने कृतिका के कॉल को नहीं उठाया था तो उसे लगा कि शायद वो बिजी है, लेकिन अभी वो ये सोच ही रही थी कि अवनी का कॉल उसे आ गया। कृतिका ने तुरंत उसके कॉल को रिसीव किया। हाय अवनी। हेलो कृति, अवनी ने कहा। क्या तुमने ऑनलाइन तुम्हें लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से मुझे कॉल किया था? हाँ, कृतिका ने तुरंत उसकी बात पर सहमति जताई। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि लोग मेरे बारे में जो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं उसकी चिंता मत करना, मैं ये मैटर हैंडल कर लूंगी। वैसे भी निखिल तो मेरे साथ है ही, अगर मैं ये मैटर सॉल्व नहीं कर पाई तो इसे निखिल मेरे लिए सॉल्व कर देगा। तुम फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल का हिस्सा थी, साथ ही विशाल को जज की पोजीशन से बाहर करने में तुम्हारा भी हाथ था। ऐसे में तुम्हारा इस मैटर में इन्वॉल्व होना तुम्हारे करियर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अगर तुमने मेरे सपोर्ट में कुछ कहा तो लोग मुझे छोड़ तुम्हें टारगेट करने लग जाएंगे और बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारा नाम बदनाम करने लगेंगे, इसलिए प्लीज मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत होना। लेकिन तुम सच में इस मैटर को अकेले हैंडल कर लोगी ना? अवनी ने सवाल किया, साथ ही उसने समीक्षा को देखते हुए अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। कृतिका ने अवनी को खुद की जजमेंट पर गर्व करने का मौका दे दिया था। चिंता मत करो, मुझे खुद पर भरोसा है, कृतिका कॉन्फिडेंस भरी आवाज में बोली। मैंने दिवाकर अंकल और तल्पेश भैया को भी मेरे सपोर्ट में कुछ भी कहने या करने से मना कर दिया है। अगर कोई जबरदस्ती तुम तीनों को इस मैटर में खींचने की कोशिश करता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं समझ गई, अवनी मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो प्लीज तुम मुझे कॉल करने में हिचकिचाना नहीं। तुम मुझे जानती हो, कौन मेरे बारे में क्या कहेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगी, कृतिका ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। अवनी ने कॉल कट किया और फिर वो घमंड से समीक्षा को देखने लगी। तो बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है, मैं सही थी या नहीं? मैंने कहा था कि कृतिका मुझे इसलिए कॉल नहीं कर रही क्योंकि उसे मेरी हेल्प चाहिए, बल्कि वो मुझे उसकी हेल्प करने से रोकने के लिए कॉल कर रही होगी। समीक्षा भी इस बात से काफी सरप्राइज थी। उसने सोचा नहीं था कि अवनी की जजमेंट एकदम परफेक्ट होगी। अवनी हंस पड़ी। शर्त मैं जीती, इसलिए ना चाहते हुए भी अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब आगे से किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम मुझे मेरे दोस्तों की मदद करने से रोकोगी नहीं। बेचारी समीक्षा, वो कृतिका को समझ नहीं पाई। उसे दूसरे लोगों की परख को लेकर खुद की जजमेंट पर पूरा भरोसा था। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज उसे अवनी से हारना पड़ा था। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, उसे अवनी की बात माननी ही पड़ी। इधर निखिल ने कुछ सोचकर सीधे कदम को कॉल किया। हेलो मिस्टर कदम, निखिल ने कहा। कदम निखिल के कॉल को देखते हुए परेशान हो चुका था। हेलो निखिल सर, क्या बात है, आपने मुझे कॉल क्यों किया? अनजान बने रहने का नाटक मत कीजिए कदम। मैं जानता हूं कि कृतिका को लेकर इंटरनेट पर फैली नेगेटिव बातों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। निखिल ने उल्टे कदम को फटकार दिया। जी वो मैं जानता हूं, बस मुझे मौका ही नहीं मिला इस मैटर पर रिएक्ट करने का, कदम घबराते हुए बोला। हम कृतिका के मैटर को लेकर इंडियन फिल्म फेस्टिवल की तरफ से जल्द ही एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ट्विटर पर अपलोड करने वाले हैं। कृतिका का मैटर फिलहाल मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस वक्त विशाल है, निखिल गुस्से में बोला। कदम कंफ्यूज हो गया। इस सब का विशाल से क्या लेना देना? मैंने विशाल से जुड़े डिस्कशन को देखा है, क्या इससे कृतिका की छवि पर कोई बुरा असर पड़ेगा? निखिल ने घुमा फिराकर बात करने की कोशिश नहीं की। इंटरनेट पर एक ग्रुप लगातार कृतिका को टारगेट कर रहा है। इस ग्रुप को ऐसा करने के लिए विशाल ने हायर किया है। मैं किसी टुच्चे से इंसान को अपनी बीवी को ऐसे परेशान करने नहीं दे सकता हूँ। निखिल की बात सुन कदम को अपने गले में दर्द का एहसास होने लगा। इस विशाल के पास कितना खाली समय है जो ये कृतिका के पीछे अपने समय को बर्बाद कर रहा है। वो जानता है कि कृतिका निखिल ओबेरॉय की वाइफ है, फिर भी वो उसे हर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसे तो कृतिका से अपनी दुश्मनी भूल कुछ वक्त तक के लिए किसी चूहे की तरह अपने बिल में जाकर छिप जाना चाहिए था। कृतिका से उसने कोई माफी तक नहीं मांगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे कुछ समय तक के लिए निखिल और कृतिका की नजरों से गायब तो हो ही जाना चाहिए था। मिलन जैसा नामी गिरामी डायरेक्टर तक कृतिका और निखिल के रिश्ते को जानने के बाद फिल्मों से छुट्टी लेकर कुछ वक्त के लिए आउट ऑफ कंट्री घूमने चला गया था, इसलिए कि वो निखिल के गुस्से का भाजन ना बने। लेकिन विशाल ने तो मन बना लिया है कि वो किसी कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा। निखिल के वो सब कहने से पहले ही कदम जान चुका था कि विशाल ने कृतिका को बदनाम करने के लिए कुछ पेड इंटरनेट यूजर्स को हायर किया है। उसे क्या लगा था कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा? विशाल की नजरों में बस वो एक अकेला स्मार्ट इंसान था, बाकी सभी उसकी नजरों में बेवकूफ थे। कदम परेशान हो उठा। इस बार वो किसी भी कीमत पर विशाल की मदद नहीं कर सकता था। कदम को निखिल और विशाल में से किसी एक की साइड लेनी थी। आखिर में उसने निखिल की साइड लेना ठीक समझा। निखिल सर, अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं तुरंत ही वो कर दूंगा, कदम ने निखिल से कहा।
ज्यादा कुछ नहीं, निखिल कड़क आवाज में बोला। विशाल को इंडियन फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल से क्यों बाहर निकाला गया है, आप इसके पीछे की असली वजह को ट्विटर पर अनाउंस कर दें। कदम पहले ही इसका अंदाजा लगा चुका था कि निखिल ने उसे क्यों कॉल किया है, ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात माननी पड़ी। ठीक है मिस्टर निखिल, मैं तुरंत इसे करता हूँ। इधर अवनी से बात कर लेने के बाद कृतिका ने वापस से एट स्किन एंटरटेनमेंट से कॉन्टेक्ट किया। जब कृतिका की उससे बात पूरी हो गई तो निखिल ने उससे कहा, विशाल को लेकर जो बात तुमने और एट स्किन एंटरटेनमेंट ने ट्विटर पर सर्क्यूलेट की है उसे प्रूव करने की चिंता मत करो। इंडियन फिल्म फेस्टिवल का ऑफिशियल चैनल जल्दी ही विशाल को लेकर एक स्टेटमेंट जारी करने वाला है। जल्दी ही कदम ने निखिल को मैसेज किया कि निखिल ने जैसा कहा था वो कर दिया गया है। वो फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल पेज पर जाकर देख सकता है कि वहाँ कौन सी पोस्ट तुरंत डाली गई है। कृतिका अपने फोन पर फिल्म फेस्टिवल के पेज को सर्च करने लगी। निखिल ने उसे साइड से हक कर लिया ताकि वे दोनों साथ में उस पोस्ट को कृतिका के मोबाइल पर देख सके। फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से कहा गया था, इस बार फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने से पहले फिल्मों को जज किए जाने के दौरान किसी एक जज ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया, जिसके बाद जज पैनल के बाकी सभी जजेस ने फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स से उस इंसिडेंट और उस जज की शिकायत की। हमें अंदाजा नहीं था कि इस साल फिल्म फेस्टिवल में कोई एक जज वीटो पावर का इस्तेमाल अपनी निजी दुश्मनी को निभाने के लिए करेगा। इस इंसिडेंट की वजह से एक एक्टर को वो अवार्ड नहीं मिल सका जिसका वो असली में हकदार था। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म फेस्टिवल के जज पैनल को दिए गए वीटो पावर को हम अगले साल से खत्म कर रहे हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजर्स जज पैनल के लिए कुछ खास नए रूल्स भी लाने वाले हैं। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम इसे इंडिया के बाहर दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स की तरह पॉपुलर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें कई चीजों में सुधार करना होगा और सबसे खास बात, हमें अपने फिल्म फेस्टिवल के हर डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम करना और करवाना होगा। विशाल और कृतिका को लेकर ट्विटर पर जो कुछ हो रहा था वैसे में अचानक से फिल्म फेस्टिवल का इस तरह का अनाउंसमेंट करना काफी इंटरेस्टिंग था। कदम ने विशाल से अपने वर्किंग रिलेशन को बचाने के लिए सीधे उसका नाम इस पब्लिक अनाउंसमेंट में नहीं लिया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स बेवकूफ तो नहीं थे। सोशल मीडिया पर वक्त बिताने वाला हर शख्स कुछ हद तक एक डिटेक्टिव की स्किल हासिल कर लेता है। जैसे ही इंटरनेट यूजर्स की नजर फिल्म फेस्टिवल के अनाउंसमेंट पर गई, वैसे ही उनका ध्यान विशाल पर गया। तुम लोगों ने नोटिस किया क्या, किसी एक जज ने अपने वीटो पावर को यूज किया? सिर्फ किसी एक जज ने, यानी कि दूसरे जजेस ने अपने वीटो पावर को यूज नहीं किया होगा। अगर इस अनाउंसमेंट को एट स्किन एंटरटेनमेंट के पोस्ट से जोड़कर देखा जाए तो जरूर वो जज विशाल होगा जिसने गलत तरीके से अपने वीटो पावर को यूज किया, इसलिए उसे जज पैनल से बाहर निकाल दिया गया। एट स्किन एंटरटेनमेंट और इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अनाउंसमेंट एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। विशाल फिल्म फेस्टिवल का जज बस एक दिन के लिए ही रहा था, फिर उसे जज पैनल से बाहर निकाल दिया गया। उसने एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले दिया था जिसके हिसाब से वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तक के जजमेंट तक जज पैनल का हिस्सा था। एट स्किन एंटरटेनमेंट के अनुसार उसने अपने वीटो पावर के जरिए कृतिका को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड नॉमिनेशन से बाहर कर दिया। वीटो पावर को कोई जज कब यूज कर सकता है? जब बाकी के जज किसी एक फैसले से सहमत हों और एक अकेला जज उस फैसले के खिलाफ। यानी विशाल ने अपने वीटो पावर को कृतिका से बदला लेने के लिए यूज किया। हम सब जानते हैं कि दिवाकर और तलपेश की दोस्ती कृतिका से कितनी अच्छी है। निखिल की फैमिली और अवनी की फैमिली दोनों में काफी गहरी दोस्ती है, ये बात हम सब जानते हैं।
इस एंगल से देखा जाए तो अवनी की दोस्ती कृतिका से भी जरूर होगी। निश्चित ही दिवाकर, तल्पेश और अवनी तीनों कृतिका के फेवर में वोट करते। चलो इन तीन जजेस को फिलहाल के लिए हम साइड कर देते हैं, लेकिन बाकी जजेस का क्या? विशाल को हटा दें तो उनकी संख्या तीन थी, उनमें से कम एक ने भी अगर कृतिका के फेवर में वोट किया होगा तो कृतिका के फेवर में किए गए वोट की संख्या चार हो गई होगी। इस सिचुएशन में विशाल ने अपने वीटो पावर को यूज किया होगा ताकि कृतिका बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट ना हो पाए, जिसने विशाल को जज पैनल से हटाए जाने की बात सबसे पहले एक्सपोज की। उसने अपने पोस्ट में कहा था कि सभी जजेस कृतिका के फेवर में थे, बस विशाल अकेला कृतिका के खिलाफ था। मतलब साफ है, वो अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स को उसे तो जज पैनल से बाहर निकालना ही था।